व्हाट्सअप जोधपुर, आई एम नितिन फ्रॉम द ब्लू अम्ब्रेला जोधपुर, और आज हम ओल्ड सिटी में लेक्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए निकले हैं, एंड वी आर टेकिंग यू गाइज अलॉन्ग, सो लेट्स गो। So as you can see, this is Ranisar Lake. Ranisar और Padamsar Lake दोनों adjoining lakes हैं और ये करीबन 500 साल पहले बनाए गए थे, in fact 500 साल से भी ज़्यादा। और ये दोनों lakes क्योंकि जोधपुर एक desert region था, water store करने के लिए बनाए गए थे। रानीसर लेक करीबन 1459 में बनाया गया था बाय क्वीन जसमत दधी, जो राव जोधा की वाइफ थी। और ये लेक ऐसा माना जाता है कि पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता था, ना कि नहाने के लिए। ये रूमर्स है यहाँ पे कि ये पहले नहाने के लिए यूज़ किया जाता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें अभी अभी पता चला है कि 2001 में यहाँ पे पानी क्लीन करवाया गया था, इसको रिस्टोर करवाने की प्रोसेस शुरू की गई थी, एंड उसमें पता चला कि यहाँ पे 5 कुएं हैं इसके अंदर, एंड वो इस बात को कंफर्म करता है कि यहाँ पे रानियाँ नहाती नहीं थी, बल्कि ये पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता था। अकॉर्डिंग टू लोकल्स ओवर हेयर, यहाँ पे जयपुर के राजा ने अटैक करने की कोशिश की थी, एंड कई वहाँ पे उन्होंने तोपें सेट की थी और वो पानी में जहर डालना चाहते थे उन तोपों के थ्रू, ताकि जोधपुर के लोग मर जाए। एंड इसी वॉर के बीच में दो वॉरियर्स प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे थे और उनकी दो छतरियाँ यहाँ पे बनी हुई है इन द मेमोरियल ऑफ देम, एंड ये माना जाता है कि उनका सर कट गया था, बट स्टिल दे वर फाइटिंग अगेंस्ट दोज रूलर्स। हम रानीसर से पदमसर लेक आ चुके हैं। रानीसर लेक जसद दधी ने बनाया था और पदमसर लेक पद्मिनी जी ने बनाया था, जो राणा संगा ऑफ मेवाड़ की बेटी थी। रानीसर लेक जितना क्लीन था, शायद पदमसर लेक उतना क्लीन नहीं है। उसकी एक वजह यह हो सकती है कि ये लेक 24/7 खुला है, एंड यहाँ पे बहुत सारे कपल्स आते हैं, प्री वेडिंग फोटोशूट करते हैं, यहाँ पे लोकलाइट्स अपना मंदिर का कचरा या इधर उधर का कचरा डंप करते हैं, उसकी वजह से इसकी हालत थोड़ी सही नहीं है। So these are the lakes that we explored for you. If you like our work, like our Facebook page, follow us on Instagram, and subscribe to our YouTube channel, The Blue Umbrella Jodhpur. See you next time.